अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बैडमिंटन खेल के फाउल्स के बारे में पढ़ना है। हाँ जी, अगर सर्विस जाब्ते के मुताबिक ना की जाए तो सर्विस का ये फाउल होगा। सर्विस करते वक्त अगर शटल नेट में फंस जाए और नेट की ऊपर वाली पट्टी पर अचानक अटक जाए तो ये भी फाउल है। अगर नेट को अबूर करते वक्त नेट की दूसरी जगह फंस जाए तब भी फाउल है। सर्विस वसूल करने वाले खिलाड़ी का साथी सर्विस को पहले ज़र्ब लगाए तो भी फाउल है। अगर खेल के दौरान कोर्ट की हदूद से बाहर गिर जाए तब भी फाउल है, और नेट के अंदर से या इसके नीचे से शटल गिर जाए तब भी फाउल है। नेट टबूर करने में नाकाम रहे, छत या साइड की दीवार को टच हो जाए, किसी शख्स या खिलाड़ी की लिबास से छू जाए, किसी ऐसी चीज़ या शख्स को टच करे जो कोर्ट के नज़दीक गिर्दोपेश में वाक़िया हो बैठा हो, खिलाड़ी शटल को पकड़े या इसके रैकेट पर रुक जाए और स्ट्रोक के अमल के दौरान रैकेट में फंस जाए तो ये भी फाउल है। एक खिलाड़ी शटल को दो मरतबा ज़रब लगाए, खिलाड़ी या इसका साथी या के बाद दीगरे शटल को ज़रब लगाएँ और खिलाड़ी के रैकेट से टच होकर शटल मुखालिफ कोर्ट की जान नहीं जाती तब भी फाउल है। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे बैडमिंटन खेल में लेट शटल का खेल में ना होना और मुसलसल खेल, गलत रवैया और सज़ाएं वगैरह। सबसे पहले लेट है जी, बैडमिंटन में लेट किसको कहते हैं? ये एक ऐसी रैली है जिसके नतीजे में स्कोर या पॉइंट नहीं बनता। अगर अंपायर मौजूद ना हो तो कोई एक खिलाड़ी लेट कहेगा। सर्विस करने वाला और सर्विस वसूल करने वाले का तैयार होने से कबल अगर सर्विस कर दे या अंपायर के पॉइंट्स के ऐलान से कबल। सर्विस के दौरान सर्विस करने वाला और वसूल करने वाला दोनों एक ही वक्त में कोई फाउल करते हैं तो लेट हो जाता है। सर्विस के लौटाए जाने के बाद शटल नेट की पट्टी के ऊपर अटक फंस या रुक जाए, नेट को अबूर करते वक्त इसकी दूसरी जानब अटक जाए, खेल या रैली के दौरान अगर शटल इस हद तक टूट जाए और इसका पेंदा यानी कॉक ऊपर वाले हिस्से से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाए। अंपायर की राय अगर खेल में खलल अंदाजी या कोच मुखालिफ साइड के किसी खिलाड़ी को बदहवास करे, अगर लाइन जज किसी पॉइंट को जज ना कर सके और ना ही अंपायर को फैसला दे सके, या कोई भी हादसाती या नागहानी सूरत वाकया हो जाए, मसलन बिजली का बंद होना, नेट का गिर जाना, लेट होने की सूरत में पिछली सर्विस शुमार नहीं होगी और वो खिलाड़ी जिसने पहले सर्विस की थी वही दोबारा सर्विस करेगा। यानी इसमें किसी टीम का कोई पॉइंट नहीं बनेगा और सर्विस वही करेगा जो इसने पहले स्टार्ट की थी, फिर वो रैली शुरू होगी। हाँ जी, शटल कब खेल में शुमार नहीं होती जी? शटल नेट या पोल के टकराने के बाद स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी की अपने कोर्ट की जानब गिरती है जब शटल कोर्ट की सतह को टच करे या कोई फाउल या लेट हो जाए। हाँ जी, मुख्तलिफ सज़ाएँ कब दी जाती हैं? खेल पहली सर्विस से आगाज़ से लेकर मैच के नतीजे तक मुसलसल जारी रहेगा मासवाए वक्फे और खेल के मुअत्तल होने की सूरत में। वक्फे, हर गेम में जब किसी बर्तरी हासिल करने वाले खिलाड़ी या जोड़े का स्कोर 11 पॉइंट्स पर पहुंचता है तो 60 सेकंड से ज़्यादा का वक्फा नहीं दिया जाएगा। तमाम मैचों में पहली और दूसरी गेमों के दरमियान 120 सेकंड से ज़्यादा वक्फा नहीं दिया जाता और दूसरी और तीसरी गेमों में भी 120 सेकंड से ज़्यादा वक्फा नहीं दिया जाएगा। खेल का रोकना, खेल के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जो खिलाड़ियों के बस से बाहर हो, अगर अंपायर ज़रूरी समझे अपनी सवाबदीद के मुताबिक कुछ वक्त के लिए खेल मुअत्तल कर सकता है। मखसूस हालात में रेफरी अंपायर को खेल रोकने की इजाज़त या हदायत जारी कर सकता है। अगर खेल रोक दिया जाए तो मौजूदा स्कोर बरकरार रहेगा और खेल का दोबारा आगाज़ उसी स्कोर से ही होगा। खेल में ताखीर, खिलाड़ी अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करने या दम लेने या हदायत लेने के लिए किसी भी सूरत में खेल को रोक नहीं सकते। अंपायर खेल में किसी ताखीर का वाहिद जज होगा और इसका फ़ैसला हतमी होगा। मशवरा लेना और कोर्ट को छोड़ना, जब शटल खेल में ना हो तो खिलाड़ी को मैच के दौरान हदायत लेने की इजाज़त होगी।
रेफरी की इजाज़त के बगैर कोई भी खिलाड़ी कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता मासवाई वक्फों के दौरान या खेल के मुअत्तल होने पर। कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर खेल में ताखीर या खेल रोकने की कोशिश नहीं करेगा। जानबूझकर शटल को तब्दील करना, पड़ तोड़ना ताकि शटल की रफ़्तार या उसकी उड़ान में तब्दीली लाई जा सके, जारहाना रवैया अख्तियार नहीं करेगा। ऐसे नापसंदीदा रवैये का कसूरवार जो बैडमिंटन के कवानीन के दायरे में आता हो। इंतज़ामी रखना अंदाजी, खेल में ताखीर, मशवरा लेना, कोर्ट छोड़ना वगैरह की खिलाफ वर्जी को अंपायर कंट्रोल करेगा, खिलाफ वर्जी करने वाली साइड को वार्निंग देगा और खिलाफ वर्जी करने वाली साइड के खिलाफ फाउल देगा अगर वार्निंग को पहले दे चुका हो। संगीन खिलाफ वर्जी या बार बार गुस्ताखाना रवैये की सूरत में अंपायर बेजाब्ती करने वाली साइड की रिपोर्ट रेफरी को करेगा, रेफरी को मुकाबले से खारिज करने का इख्तियार हासिल होगा।